बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से वी स्टार्ट द सेशन आज ऑन नेगोशिएशन बाय सीओ क्लब पाकिस्तान एंड मैनेजमेंट हाउस। सीओ क्लब पाकिस्तान बेसिकली इज अ थिंक टैंक ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान एंड द सीओ मैनेजमेंट हाउस इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट लीडरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड वी वेलकम ऑल ऑफ यू एट दिस मैनेजमेंट एंड स्पेशली आवर गेस्ट अयाज साहब, रफ रफ साहब और बड़े सीनियर लोग माशाल्लाह हमारे बैठे हैं। नूर साहब स्पेशल हमारे मैडम आई हैं मुल्तान से, वेलकम जी मेजर साहब। तो दिस इज़ रियली अ वेरी यूनिक एक कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एंड द फिलोसफी ऑफ दिस सेशन इज आज अ टू वे। इट इज़ अ अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल, एंड्रोगोजिकल लर्निंग रादर दैन द पीडागोजिकल लर्निंग। तो दिस इज द फिलोसफी ऑफ द सेशन। सेकेंड SOP इज प्लीज़ अपने मोबाइल्स को अपना जरा कंट्रोल कीजिएगा और एक आधे पौने घंटे जरा आप हमारे साथ रहिएगा। नो आर्ट ऑफ निगोसिएशन, वट इज निगोसिएशन, ये आज का हमारा सेशन है जी और इंशाल्लाह ताला यू विल रियली एंजॉय द राइट ऑफ दिस निगोसिएशन। ओवर टू यू जी, आप बताएं कि इस सेशन के क्या क्वेश्चंस होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर मैं बोलूंगा तो लगेगा कि सर हमने कोई रटा लगाया हुआ। ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर रफ रफ हूँ, जनरल मैनेजर सेल्स आदम जी में। आज का टॉपिक चुनने पर आपको बहुत मुबारक देता हूँ। वैसे तो हर टॉपिक ही बहुत अच्छा होता है, इसमें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं जानना चाहूँगा वो ये है कि अच्छे नेगोशिएटर की क्या खसूसियात हैं या होनी चाहिए। वाह वाह वाह, इनके लिए क्लैप करें, ये ओपन द सेशन है। क्वालिटीज ऑफ अ गुड नेगोशिएटर, वेरी गुड। सेकंड थर्ड क्वेश्चन जी, सर अयाज साहब। Assalamualaikum, my name is Nawaz Mahmood. I've come from Dubai especially for this session. दुबई से आया? मैं समझता हूँ मुल्तान वाले सबसे नंबर ले गए। आप इन टाउन। Basically, I wanted to really understand when we go through a negotiation skills, what was you know the whole part of negotiating in terms of conflict resolution when both parties at the head end. This is what I really want to understand. Thank you. हाँ जी, conflict resolution की जबरदस्त प्रश्न है यार साहब। Thank you. एक के लिए क्लियर नहीं, स्पेशल दुबई से आए हैं। हाँ जी, any third, fourth question? हम इसको शुरू करते हैं, जैसे जैसे सेशन इसका ग्रो करेगा तो उसकी आपके क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मैंने सबसे पहले कि व्हाट इज द आर्ट ऑफ निगोशिएशन, आर्ट ऑफ निगोशिएशन का पहले ए सब है। कहते हैं कि जिंदगी में जब भी आप निगोशिएशन करें तो ये ARTE कभी ना भूलिएगा। ए का मतलब होता है एंगर, गुस्से में कभी निगोशिएट ना करें। कितना सिंपल है जी, ठीक है। बल्कि इसको मैंने थोड़ा सा आर्ट को एक हैट के एक एक्रोनम बनाया है। फर्स्ट है जी कि कभी आप जब एक तो गुस्सा आ गया एंगर में कभी निगोशिएशन ना करें, कभी भी आप भूख में निगोशिएशन ना करें, ठीक है जी। यू और टी का मतलब है जी कभी आप थके हों टायर्ड हों तो कभी निगोशिएट ना करें, वरना तीनों सिचुएशन में आप निगोशिएशन में मार खा जाएंगे। ये बहुत बड़ा है। हज़रत अली करमल्ला वजू फरमाते हैं कि गुस्से की हालत में कोई फैसला ना करो और खुशी की हालत में कभी कोई वादा ना करो। तो ये निगोशिएशन का पैलेट है। दूसरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये पहले क्लियर हो गया जी, एंगर हंगर और टायर्ड। और तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टी हर्ट, इसको मैंने फार्मूला बनाया है HU, ठीक है। H मैंने हंगर, ठीक हो गया। तो तीसरी चीज़ है जी, टी को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक टी है जी कभी भी टायर्डनेस में कभी आपने कभी निगोशिएट नहीं करना, कभी कोई जिंदगी का फैसला नहीं करना। और लास्ट में टी है टाइम बाउंड, कभी टाइम प्रेशर में आके कभी निगोशिएट नहीं करना, वरना आप हमेशा मार खा जाएंगे। ये आपको ये पहला टिप मैंने दे दिया जी, एक अच्छी क्वालिटी निगोशिएटर की कि वो कभी भी गुस्से में भूख में थकावट में और टाइम प्रेशर में कभी भी निगोशिएट नहीं। आप डील के बाद जो रिग्रेट होगा ना, सारी जिंदगी कभी समटाइम आपको रिग्रेट में रहना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए, ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया कि मुझे एक सवाल आप लोगों से बताएंगे, निगोशिएशन क्यों ये ऐसा स्किल है, क्यों खास बंदों का? इट इज एवरीबॉडी स्किल। हम दिन के 24 घंटों में कितनी देर निगोशिएट करते हैं और कितने देर बाकी काम करते हैं? हाँ जी, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब घंटे बता दें, 24 घंटों में कितने घंटे? टू थ्री आवर्स। राम राम साहब, फाइव सिक्स आवर्स। नहीं मतलब टाइम बताएं, 24 घंटों में
4 hours. जाग तो प्लीज एक सेकेंड भी क्लियर कर दे, पहला तो हो गया जी मैंने आपको दे दिया, दूसरा ये कि हम 24 घंटों में 24 घंटे निगोशिएट करते हैं, ये मिथ ब्रेक कर लें। रात को नींद में भी आप इस वक्त चेहरे तना होता है, कोई बात दिन के टाइम रह जाती है, रात को नींद में भी निगोशिएशन चल रही होती है, वो हमारी अपने सेल्फ के साथ निगोशिएशन हो रही होती है, जिसको हम हेट्रो एक होती है ऑक्सीजन, एक होता है ऑटो सजेशन, हम अपनी ऑटो जो सेल्फ जो टॉक है ना जी वो भी एक निगोशिएशन की फॉर्म है। ये नहीं है कि हम निगोशिएशन सिर्फ लोगों से होती है, आपकी अपने सेल्फ के साथ भी होती है। और वो जो हैमलेट ने बोला था, याद है आपने हैमलेट पढ़ा कभी, शेक्सपियर वन ऑफ द टॉप दुनिया की जो आज की 200 दफा मैंने पढ़ा, जिसको 200 जबानों में इसका तर्जमा हो चुका है, हैमलेट में क्या कहता है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज अ क्वेश्चन, करो ना या कर ना करो, हर वक्त रब रब साहब आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, ऐसा करूं पाकिस्तान जाऊं या ना जाऊं, कपड़े ये वाले पहनू, खवातीन घर में ये सब्जी पकाऊं, कौन सी पकाऊं, ये पकाऊं वो पकाऊं, कपड़े ड्रेसिंग रूम में उनके पास कपड़े रखने की जगह नहीं होती और कपड़े होते नहीं पहनने के लिए, तो निगोशिएट कर रही होती है अपने आप के साथ, तो काम करके साथ आपको पता है कि वो कैसे निगोशिएशन होती है। और एक अच्छी खातून आपको पता है 3 दफा चीजें लेके वापस करना पड़ता है उसको, क्योंकि घर जाकर उसको फिर पता चलता है नहीं वो जो देखा था कलर ज्यादा अच्छा था, तो निगोशिएशन का स्टेप जो है वो 24 आवर्स है सर, नींद में निगोशिएशन होती है, खामोशी में आपकी इंट्रा निगोशिएशन चल रही होती है, इंटर निगोशिएशन, इंटर निगोशिएशन होता है जब दो बंदों के दरमियान वो डील बात चल रही होती है, और आपको पता है 70% निगोशिएशन इंसानों की अपने जात के साथ होती है, 30% निगोशिएशन हम लोगों के साथ करते हैं। क्लियर हो गया जी? जी अब आगे चलते हैं, एक लाइन है जी प्लीज लिख ली, ये तावीज है इस नेगोशिएशन आज का सेशन की बेस है, जिसके लिए आज का सेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सारे मसले मसाए, सारे लड़ाइयां झगड़े, सारे बिजनेस की डीलिंग, इवन सबसे इंपॉर्टेंट नेगोशिएशन आपकी सैलरी की नेगोशिएशन होती है, ये बल्कि पूछिएगा कि सैलरी नेगोशिएट कैसे करते हैं, खासकर एचआर में सबसे कीमती क्वेश्चन होता है, सारा आपका सीवी देख लिया गया, आपने सारा कुछ मामला हो गया, आपकी डिग्री चेक हो गई, आपके रेफरेंसेस चेक हो गए, एंड पे जी जो फाइनल डिसीजन होता है वो उस पे नहीं होना, किस पे होना जी, सैलरी। सरदार जी जाते हैं एक इंजीनियरिंग करके एक बहुत बड़े एक अपना इंटरव्यू में, उनकी कंपनी में इनका इंटरव्यू होता है, सैलरी निगोशिएशन की बात बताना चाह रहा हूँ आपको, सीक्रेट इसका, तो वो जाके वहाँ कहते हैं जी कि आपका सर जी सीवी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। सरदार जी से पूछे, सरदार जी सारा कुछ ओके हो गया, सिर्फ आखिरी सवाल है वो क्या, सरदार जी आपने सैलरी कितनी ले ली, सरदार जी आगे से कहते हैं, पहले से दिमाग में आया था 1 लाख रुपये सैलरी, 1000 cc की गाड़ी और एक छोटा सा मुझे एक अपार्टमेंट चाहिए, मैं आपके शहर में आके मैंने ज्वाइनिंग दे ली, मैं रहूँगा, तो कंपनी अगर मुझे गाड़ी दे दे 1000 cc की और 1 लाख रुपये सैलरी और साथ एक अपार्टमेंट, आगे एचआर हेड साहब बैठे होते हैं, ठीक है जी खुरम साहब बैठे हैं वाइस प्रेसिडेंट नेशनल बैंक, हाँ जी अच्छा जी सुधा जी हमने आपका रखने का फैसला कर लिया, बहुत अच्छे आपका सीवी में बहुत अच्छा आपने सेल किया, सुधा जी हम आपको 5 लाख रुपये सैलरी देंगे, 1000 cc में 1600 cc की गाड़ी देंगे और फ्लैट की जाए आपको हम एक डिफेंस में घर देंगे, कंपनी मेंटेन्ड फर्निश्ड होम मिलेगा, सुधा जी कबूल है, डू यू एक्सेप्ट दिस ऑफर, सुधा जी जिन्होंने 1 लाख और 1000 cc की गाड़ी की ऑफर की होती है पूछा होता है वो पूछते हैं अपने एचआर हेड से, सर जी तुसी मजाक तो नहीं कर रहे, उन्हें कहे नहीं सर जी नहीं नहीं, कहता मजाक शुरू की नहीं किया सी, मजाक शुरू की नहीं किया, तो जब आप सैलरी की निगोशिएशन में बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ मैं कहता हूँ जब आपने सैलरी की निगोशिएट करना है तो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए नो योर वर्थ, अगर आप 1 लाख के हो तो 5 लाख नहीं बताओगे, 50,000 के हो तो 1 लाख नहीं जो करोगे और फिर उसे नीचे भी नहीं आओगे, नो योर वर्थ, क्योंकि दोनों सूरतों में आपने ओवर सेलिंग कर दी तो आप स्ट्रेस में चले जाओगे और अंडर सेलिंग कर दी तो फिर भी आप स्ट्रेस में चले जाओगे, आइदर केस। आगे चलते हैं जी, तो एक लाइन जो आज की आज का जो मोटी बना मेरा इस आज की टॉक का, ये मेरा बड़े दिल के पास है ये नेगोशिएशन वाला एरिया, कहते हैं लाइफ इज वेरी टूथलेस, हाँ जी अब्दुल हादी क्या बोला, लाइफ इज वेरी यू डू नॉट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट, ये तवीज है, देखिए इसको रोज दवाई पानी के साथ, चाय के साथ और दूध के साथ आप बिल्कुल यूज करें,
कि लाइफ इज वेरी रूथलेस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये इतना प्यारा जुमला है कि मैं दो तीन दफा रिपीट कर रहा हूँ। आप कभी ना सोचें कि आपने PhD कर ली है, आप अमेरिका से कोई MIT से पढ़ के आ गए हैं, हार्वर्ड से पढ़ के आ गए हैं, दुनिया आपको प्लेट में रख के सारी चीजें दे देगी। सर ऐसी ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने हार्वर्ड से पढ़ लिया तो आप कहेंगे जी आप आपके दो चंद फूमन लग गए आपके ऊपर। या नहीं भाई, यू स्टिल हैव टू सेल योरसेल्फ, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर रियाज साहब जो मिड करियर क्राइसिस होता है वो तो छोड़ता नहीं बंदे का। वो बंदा कहता है मैं 20 साल हो गए नौकरी कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। वन फाइन मॉर्निंग ही आस्क कि मैं नेशनल बैंक में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो गया, मैं क्यों, मैं छोड़ ही ना क्यों दूँ, क्योंकि इट इज नॉट क्लोज टू माई हार्ट, मैं तो कुछ और करना चाह रहा था। और फिर अपने आप ही को मिड करियर क्राइसिस में एक पता एक लोग अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, इंट्रा निगोशिएट करते हैं। अब है सीफ साहब क्या कहते हैं, आई हैव वेरी लेस टाइम नाउ, आई हैव टू लिव माई ओन लाइफ। जब बंदा 50 के गेड़े में पहुंचता है क्या जुमला बोलता है अपने आप से, हम मेरा जिंदगी का थोड़ा बड़ा 20 साल मैंने जैको मारी है, अरे तो दुनियादारी में वो बहुत अच्छा है, गाड़ी है, सिविक है, 5-4 लाख की नौकरी है, लेकिन ही इज नॉट हैप्पी। और आप मेरा मेरा ये कॉन्फिडेंशियल है, मैं आपको एक रिपोर्ट दे रहा हूँ कि 75% सीनियर मैनेजमेंट के लोग दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइव्स विद देयर जॉब्स 9 to 5 बिकॉज उनको निगोशिएशन नहीं आता। आगे चलते हैं, ये समझ आ गया। और याद रखिएगा कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की सर आपने, कॉन्फ्लिक्ट्स आर इनएविटेबल। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, बट फाइटिंग इज ऑप्शनल, फाइटिंग इज ऑप्शनल, कॉन्फ्लिक्ट्स आर कि जहां बर्तन होंगे वहां लड़ाई होगी। इसका शीशा बंद कर दो बेटा दरवाजा पीछे से, ठीक है, तो आवाज बंद हो जाएगी पीछे से। ये कॉन्फ्लिक्ट्स का जो एक ना एक इशू है कि कॉन्फ्लिक्ट्स नेचुरल है इंसान में, जब दो चीजें करीब होंगी तो कोई ना कोई आवाज आएगी, दैट इज अ की कि वो आपका कॉन्फ्लिक्ट्स को, मैं आगे इसको लेता चले जाऊंगा। अब आज एक फर्स्ट जो आज की जो इस सारी मैंने एक आपको एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना प्रीफेस किया कि व्हाट इज निगोशिएशन, क्या बोला जी निगोशिएशन है क्या, ताकि आपको फिर अगले स्टेप्स में एक गुड निगोशिएटर क्या होता है, इसके बैरियर्स क्या होते हैं, डूज एंड डोंट्स ऑफ निगोशिएशन क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स क्या होते हैं, स्टाइल्स ऑफ निगोशिएशन क्या, ठीक है, फिर हम इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज निगोशिएशन, प्लीज शेयर विद मी, उसके लिए एक गिफ्ट होगा हमारे शफक, नेक्स्ट टाइम चॉकलेट्स भी हमने रखनी है, अनफॉर्चुनेटली गलती होगी आज। बोले जी व्हाट इज निगोशिएशन, A dialogue between two parties. To create a win-win situation. Very good. To create a win-win situation. बहुत अच्छा किया। सुन लीजिए, negotiation is all about. Negotiation क्या ये process है? क्या जी? किस चीज का? Conflict और differences को resolve करने का process का नाम क्या है? I repeat, differences और दो इंसानों में, दो धारों में, दो मुल्कों में, क्या कह रहे जी, दो पार्टीज में, दो टीम्स में डिफरेंसेस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का नाम, और उसका नतीजा क्या होगा, वो है विन विन। अब मैं शबक लिखते जाए, अब मैं आगे इसके अगले स्टेप पे जाऊं कि निगोशिएशन का जो नेचुरल स्टार्ट कहां से होता है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, खासकर मैं बताऊं। नंबर वन, पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम मैनिपुलेशन को निगोशिएशन कहते हैं, ये प्लीज ब्रेक द मिथ, कहते मैंने इसको कहते हैं पंजाबी में क्या कहते हैं, बेवकूफ बनाने के फन को हम निगोशिएशन स्किल कहते हैं, कि मैंने उसको कन्विंस कर लिया झूठ बोल के। मैनिपुलेशन इज नॉट निगोशिएशन, आप लेवरेज दे सकते हैं वंस, नेक्स्ट टाइम नहीं हो सकता, रिपीट कर लाएंगे आपके पास कोई आएगा। सेकेंड मिथ क्या जी निगोशिएशन की, कि बार्गेनिंग जो होती है ना वो निगोशिएशन है, कि 100 रुपए का मैंने फल 70 रुपए में ले लिया, दिस इज नॉट निगोशिएशन, वो बार्गेनिंग है। तो बार्गेनिंग क्या होता है, प्राइस के ऊपर 90% पाकिस्तानी प्राइस को मैनेज करने का, मैनिपुलेट करने को निगोशिएशन कहते हैं। नहीं है, ये दोनों चीजें आज क्लियर कर लें कि निगोशिएशन इज नॉट मैनिपुलेशन और निगोशिएशन इज नॉट बार्गेनिंग। एंड व्हाट निगोशिएशन इज, तो पहले के साथ मैं आप जोड़ रहा हूं ताकि एक और क्लियर पिक्चर आपके पास आ जाएगी, क्या कि निगोशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट विन विन थ्रू रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, म्यूचुअली जो आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको रिजॉल्व करने को कहते हैं, एंड बाय क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स।
कि आपने गाड़ी बेच दी सर जी, झूठ बोल के जैसे भी करके ऑन पे बेची ऑफ पे बेची, लेकिन दोबारा वो बंदा आपके पास नहीं आएगा। जैसे वो पठान बेचते हैं ना जी, कलीम बेच के चले जाए, दोबारा आपके पास नजर नहीं आएगा। वैसे बेस्ट नेगोशिएटर पठान होते हैं, कभी गौर से सुना आप? हैं वो बाहर के निगोशिएशन भी नहीं होती, गरीब वाले गायब हो जाते हैं। वो आपको झूठ बोल के मैनिपुलेट करके, जैसे पंजाबी में हम मामू कहते हैं, मामू बना के आपको चले जाते हैं। खोजा हुआ था ना आपने 10,000 रुपये का वो कारपेट होता है सर, वो आप गलती से गुजर रहे थे, तो एक पठान गुजरना था रबरा सर, उसने गलती से मैंने पूछ लिया खोचा ये कितने का है, तो वो आगे से कहता है जी खोचा ये 10,000 का है। मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है। कहता जी खोचा इतना अच्छा है, देखो ना ईरानी कारपेट है, तो आप कितने का कितने दोगे? मैंने कहा नहीं नहीं है नहीं। कहता बताओ तो सही कितने दो। ये डोंट्स में आपको मैं शेयर करूँगा, नेवर ठीक है एक्सेप्ट फर्स्ट ऑफर और नेवर ऑफर फर्स्ट फ्रॉम योर साइड। ये दो डॉट्स हैं पक्के लिख ले। तो वो क्या होता है, कहता जी आपने गलती से कह दिया यार सब 1,000 रुपये का, मजाक किया ना उसके साथ कि चलो यार यो ये रिडिकुलस किस्म की आपने एक अमाउंट ऑफर कर दी पंत। अब वो कोचा कहेगा अच्छा तेरी ना मेरी चलो 5,000 दे दो, 10,000 से एकदम जम करके वो 5 पे आ गया। और आपने कहा नहीं यार मैंने वैसी कीमत पूछने के लिए पूछा था, मैंने लेना नहीं है। वो आप आगे चलेंगे, वो पीछे पीछे आपके आएगा, कहेगा जी कोचा मुसलमान का बच्चा है, ना तेरी बात ना मेरी बात, निकालो 1,000। वो आपको मंड के जाएगा, वो आपको दे के जाएगा, हाँ उसे ऑफर करके है कमिंग फॉरवर्ड जी। तो नेगोशिएशन के चार स्टेप्स है। पहला क्या जी, पाकिस्तानी माइंड में क्या जी, पाकिस्तानी नेगोशिएशन स्टाइल क्या जी, पहला वो है नहीं नहीं वो कहते हैं ना खेडांगे ना खेडन देंगे, ये हमारा डीएनए है, लूज लूज कहते हैं इसको। पहला स्टेप क्या जी, लूज लूज, हम भी हारे हम भी डूबे सनम तुम भी नहीं डूबेंगे। हाँ जी वो कुछ दिन उसका अफसोस हुआ, मेरा तो रोने को दिल किया। वो मसाया की जहां लड़ाई होगी वो उसके बकरों पे उसने गाय का सोच तथा फेंका और उसने उसने पे फेंक दिया। व्हाट अ माइंडसेट यार, ये विलिव इन पाकिस्तान यार है। तो वो क्या जी, पहला क्या जी लूज लूज, दूसरा क्या जी विन लूज, क्या बोला जी कैसी जीतिए तुसी हार जाओ और छलांगे लगाए। सेकंड हमारा माइंड सेट ये है। तीसरा क्या है जी लूज विन, क्या बोला जाके किसी को फेवर करनी है, किसी को अकोमोडेट करना है, तो आप जान के बॉस के साथ मैच खेल रहे हो तो क्या होता है जी बॉस हमने चिक्के वाली बॉल पे हमने सिंगल ले लेनी है, बॉस ने क्या बॉल की थी, तो लूज विन हो जाना। तीसरा आगे बाद चौथा क्या जी विन। अच्छा एक बात बता, विन विन जो होता है निगोसिएशन, आपको पता है कि सबसे मुश्किल तरीन चीज है। वाई? बिकॉज इट नीड्स लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ मेच्योरिटी, लॉट ऑफ विजडम, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द की इशू, लॉट ऑफ एम्पथी इट इज रिक्वायर्ड। कि एक अच्छे निगोशिएटर की इन्होंने बात की थी, शफक साइड पे लिख ले क्वालिटीज ऑफ अ गुड निगोशिएटर। कि विन विन जो होता है वो निगोशिएटर होता है जो विन विन पे आता है, उसके अंदर ये सर्टन एबिलिटीज होनी चाहिए, फिर वो विन विन तक पहुंचता है, वरना विन विन नहीं होता। लोग लड़ाइयां करके रिश्ते घर खराब कर देते हैं, क्योंकि विन विन जो होता है ना वो बहुत मुश्किल स्टेज आती है, उसके लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस करना होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रस्ट चाहिए, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको पेशेंस चाहिए, और सबसे बढ़कर उसे बहुत ज्यादा स्टेमिना चाहिए। एक अच्छे निगोशिएटर में लिखे जी शबक लिखे जरा ये 8-10 क्वालिटीज हैं। आपने क्वेश्चन किया था रब रब सब एक क्वालिटीज ऑफ अ गुड निगोशिएटर, बल्कि ये अगर आज का सेशन में समझ लें आपको मजा आएगा। तो फर्स्ट क्या जी, एक अच्छे निगोशिएटर में सबसे बड़ी एबिलिटी क्या होती है, ही मस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द की इशू विच इज बींग निगोशिएटेड। पहला क्या जी, उसको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि किस चीज पे वो निगोशिएट करने आया है, वो एजेंडा आइटम्स क्या है। पहली एजेंडा आइटम्स, हमारी ट्रेनिंग हुई भी है ना मेरे साहब, हम तो कॉर्पोरेट सेक्टर में हैंडल ही नहीं होते मीटिंग में जब तक हमारा एजेंडा हमें क्लियर ना हो, अदरवाइज कहते हैं गुफ्तगू निश्चितम बरखास्तम। दो पार्टी को पता होना चाहिए मौसम अच्छा समोसे खाएं, वो बात की बात है,
वो आपको मैं टेक्निक बताऊंगा अमेरिकन की और जापानी से आप निगोशिएट करते हैं। जब जापानियों के पास अमेरिकन जाते हैं ना, क्योंकि पता क्या होता है, जापानी बड़े ठंडे मिजाज के लोग हैं और अमेरिकन बड़े जरा थोड़े से असर्टिव लोग हैं, असर्टिव होते हैं ना, थोड़ा सा पुशी होते हैं। और वो क्या करते हैं, उनके दो दिन के लिए वो टूर पे आए, नेगोशिएशन करनी थी कंपनी ने दूसरी सी उसके साथ, एक मिलियन डॉलर की वो कोई इन्वेस्टमेंट थी। तो क्या हुआ, वो दो दिन उनको जापान दिखाते रहते हैं, टोक्यो दिखा, ये दिखा, वो दिखा, और उनको खाने खिला, उनको क्लब में ले जा, उधर ले जा। अमेरिकन दो दिन बड़ा खुश होता है, और जो नेगोशिएशन होती है वो कहते हैं यार कब बैठेंगे, कब बातचीत होगी, कहता नहीं सर अभी टाइम है थोड़ा सा ना। वो क्या करते हैं, जब बिल्कुल उसकी वाई जहाज की फ्लाइट होने लगी, दो घंटे पहले कहते हैं बैठे, और उस बेचारा होता है हरी में, कहता टाइम थोड़ा रह गया, मैंने अभी चेक इन नहीं, चेक आउट नहीं करना, तो प्लीज बताओ जल्दी जल्दी क्या करना। वो अपनी टर्म शीट क्रिएट करके अपनी डील अपने अपने फेवर में कर लेते, और पता नहीं होता उनको कि हम लोग टाइम प्रेशर में लाते हैं, उन्होंने अपनी कर अपने घर बेचने, अपने प्रेशर में होते हैं जी मैं अमरीका जा रहा हूँ, देखो मैं टिकट तैयार है, आप घर भेज के जाना, पैसे मैंने देने, थोड़ा सा प्रेशर चाहे वो आप फेक प्रेशर हो। अगला क्लाइंट कहता है यार वाकई बड़ा जरूरतमंद है, अक्सर लिखा होगा कि जी मालक का होता है, ठेकेदार का घर नहीं होता, मालक अपना घर खुद बेच के जा रहा है, इसको अमरीका में उसका चला गया, उसका उसकी पीआर हो गई और वो जा रहे थे हैं, तो फौरी ने मान लिया फौरी तौर पर आपको तीसरा जरूरत रिश्ता में ऐसे होता है, जरा लड़का आया लेते और परसों टिकट खत्म हो जाए, आज निकाह पढ़ा दे, ऐसा आया रिश्ता कभी कभी आया रिश्ता नहीं आया। अमरीका वाले बड़े अमरीका वाले, खासकर लंदन वाले तो हर दूसरा रिश्ता इस वक्त फ्लॉप हो रहा है, मैं उधर नहीं जाऊँगा। तो चाहे किसी भी किस्म की हो तो टाइम प्रेशर, पहला क्या जी अंडरस्टैंडिंग द की इशू, और सेकंड क्या बोला स्टेमिना, थर्ड क्या बोला पेशेंस, चौथा क्या बोला एम्पथी। एक गुड निगोशिएटर की क्या होनी चाहिए, ये उसके बेसिक्स हैं, ये फंडामेंटल्स हैं कि उसने क्या क्या उसके अंदर उसने वो उसके अंदर। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए, उसके अंदर अपनी लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, सबसे बड़ी स्किल है ये। और एक और स्किल है जी देखिए, वो है आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। क्या बोला, अच्छी निगोशिएशन के लिए ना आपको उस क्वेश्चन, क्योंकि आप उसकी वैसे आपको कोई बंदा अपने मुंह से नहीं बताता कि मेरी क्या नीड्स हैं, आप दो चार डिग और डीप क्वेश्चंस करते हैं, वो बंदा अपनी स्लिप ऑफ टांग के थ्रू अपनी बात निकाल देता है। आप जैसे कहते हैं जी आपकी तबीयत कैसी है, ठीक हूं मैं, कैसी जा रही है जिंदगी, रफ रफ सब 90% लोगों का सवाल किया जवाब क्या होता है, कोई भी बंदा हो रब अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको रिवर्स करें, इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन को ना लोगों को रिवर्स करना सिखाता हूँ कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन के बजाय इनडायरेक्ट क्वेश्चन करें। मैं पूछूंगा सर जी अपना या सब सुनाओ फिर जॉब तक ही हाल है, उन्होंने कहा यार अब तो मैं दुबई से आया हूँ, जॉब छोड़ के आया हूँ, हालात जॉब तो है ही नहीं। अच्छा तो यार बच्चे यार चार हो गए हैं, कौन से स्कूल पढ़ते हैं, जी वो तो LGS में पढ़ते हैं। मैं कहा एक बच्चे थे तो 50,000 फीस है, चार बच्चे थे मतलब 2,00,000 रुपये तो उसकी फीस चली जाती है। तो फिर मैंने कहा या सब और कुछ कर, जी वो भी कोई नहीं है, मैं किराए पर रह गया। ये तीन सवाल मैंने इंटरेक्ट किए, बच्चे घर और उनकी जॉब। अब मैं पूछूंगा जनाब तबीयत कैसी है, कहेगा वेरी पैथेटिक, ज्यादा मैं नौकरी लगाओ ताड़ी मेरे बंद। ये पहला बात लगा मैं इंटरेक्ट जुमले में वो बात नहीं बताएगा। ये क्वेश्चंस हैं जो आपको तीन चार आपने नहीं पूछना, सर पैसे की रोड है वो नहीं बताया, नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ, चार इंटरेक्ट क्वेश्चन बता दें आपकी रेलिटी। अगर वो बंदा आपके साथ ट्रुथफुल है वो अपनी सच बता देगा अंदर से कि सर मैं अंदर बहुत दुखी है सर। और आजकल कोरोना पोस्ट कोरोना में तो पता है इस वक्त तीन मसले हैं पाकिस्तानियों के पूरी ग्लोबली। पहला इशू क्या है जो है जिसे निगोशिएट करना है, हर बंदा जिस वक्त डिप्रेशन में चला गया, हर दूसरा बंदा। दूसरा स्लीप डिसऑर्डर है, इस वक्त पाकिस्तान का हर दूसरा बंदा इस वक्त स्लीप डिसऑर्डर का मसला है फंसा हुआ। हाँ ये ना सर जी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर कि सुबह उठ के नमाज पढ़ने वाले लोग भी होंगे। और तीसरा है जी एक रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, ये हर तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हर बंदा इस वक्त पल पकड़ा हुआ, और निगोशिएशन तीनों में आपको हेल्प करेगी। आस्किंग द राइट क्वेश्चंस आगे, ठीक है एम्पथी लिख लिया आपने, एम्पथी इज अ वेरी की स्किल, फ्लेक्सिबिलिटी, और लास्ट में लिखा जी एक्सपेक्टेशन फॉर डीप, ठीक है जी ये आपकी बेसिक है जी जो एक निगोशिएटर को। और एक और चीज़ होती है एक इन्वायरमेंट कि जहाँ पर आपने बातचीत करनी है, सब्जी मंडी में कभी अच्छी निगोशिएशन नहीं होगी, एक आपने घर बेचना है। आप देखें आपको पता रफ रफ साहब जब रिश्ता होता है लड़के लड़की का तय होता है, आपके घर में जो सबसे बेस्ट कमरा कौन सा होता है जी या सर, लोगों की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस कमरे में की होती है, आपके ड्राइंग रूम में जिसके अंदर बेहतरीन शीशे कारपेट कालीन पर्दे सोफे बड़े आला किस्म के होते हैं, क्योंकि वो जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट निगोशिएशन। किचन में कभी निगोशिएशन किया रिश्ते की किसी
हाँ लेकिन लोग बड़े सियाने होते हैं, यहाँ सब जाते ना बहाने के हिसाब से ना वाशरूम देखते थी हमने जरा जाना है इधर के, हाँ जाए ना, वो देखने में सारा घर नजर आ जाता उनको, और वो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग शेयर कर रहे होते हैं कि ये जो ड्राइंग रूम दिखाया है ये मतलब सारा घर ऐसे ही है या बस सिर्फ यही था, बाकी सब कुछ और तरीके से, वो उनसे जौक, उनका मजाक, उनकी वैल्यूज, उनकी कदरें, और ये जब तक वैल्यूज, कदरें, परसेप्शन, ये आपकी उनकी जो लाइफ की जब बैकग्राउंड नहीं समझते, आप निगोशिएट नहीं कर सकते। खासकर जो डिफिकल्ट डिसीजन होते हैं लाइफ के, जैसे शादी का डिसीजन है, आपका घर खरीदना हो, आपको ठेकेदार घर दिखाता है, शोशा दिखाता है, बड़ी आप उसने चमक वाले, और ठेकेदारों के अक्सर घर बड़े चमक वाले होते हैं, वो चमक बेचते हैं, वो बंदा उसमें होता है, मुझे अक्सर पूछते हैं राहुल साहब ये मैनेजमेंट हाउस में क्या करते हैं, लोगों को क्या सिखाते हैं, हम कहते हैं लोगों को सिखाते हैं कि गोल्ड में और गोल्ड प्लेटेड में फर्क है। क्या बोला? वाह, ये निगोशिएटर के लिए है जिनके जजमेंटल स्किल होनी चाहिए, जो जज कर सके। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, वो है आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन तीन तरह की होती है जो एक अच्छे निगोशिएटर में होनी चाहिए, दो को वो मैनेज करना जानता हो। एक जो सबसे बड़ा जो बैरियर होता है ना जो कम्युनिकेशन के अंदर, वो लिखे जी एक लहदा लिखे इसके साथ ही, एक गुड निगोशिएटर के एक और पहले लगा के लिख दें बैरियर्स ऑफ निगोशिएशन, कि निगोशिएशन में बैरियर्स कौन से होते हैं। सबसे पहला बैरियर क्या होता है? हमारी स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। आप जिस आपको पता है लोगों के जो झगड़े होते हैं लाइफ में, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं सर, वो तीन वजह से होते हैं। प्लीज लिख लें बात, जिंदगी में झगड़े तीन वजह से होते हैं। पहला क्या जी? अल्फाज से। जब उसके बाद क्या होता है? अल्फाज के मायनों से, ये मेरा मतलब ये नहीं था, आपने बात कर दी, तो अक्सर क्या होता है? आई डोंट मीन इट, इतनी देर अगला वो ब्लॉक कर देता है ना, हुआ होगा ना कभी ना कभी, आपने किया होगा ब्लॉक या किसी ने आपको किया होगा, ऐसे तो नहीं हुआ, तो क्या होता है? नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, आई डोंट मीन इट टू यू, आपने इसको गलत समझ लिया। मैं तो समझ वो इशफाक साहब कहते हैं कि मैं ना बच्चा था वो घर में आया तो उसकी बहन ने ना कहा भैया भैया आज मैंने बहुत कमाल का काम किया। ये क्या किया? कि आज मैंने अपनी बकरी को इंग्लिश बोलना सिखा दिया। कहते भाई कहते वाकई मतलब आर यू ट्रू आर यू राइट कि शी कैन स्पीक इन इंग्लिश? यस। चलाओ बकरी के पास चलते हैं। बकरी के पास गए तो आगे से वो बकरी को पूछती है व्हाट इज योर नेम, तो आगे से बकरी क्या जवाब देती है? मैं। बकरी क्या बोलती? मैं। व्हाट इज योर नेम? मैं। अब भाई जो होता है वो कहता है तुम मुझसे मजाक कर रही हो, आर यू किडिंग मी, तुम मजाक किया ना तुमने मेरे साथ, झूठ बोला ना, बकरी को तो कोई इंग्लिश नहीं आती। तो आगे से मासूमी से कहती है भाई भैया मैंने तो इसको अंग्रेजी सिखाई थी, इसने नहीं सीखी, मैंने तो सिखा दी थी, अब इसने नहीं सीखी, मेरा कसूर तो कोई नहीं है। जैसे टीचर कहते हमने क्लास को पढ़ा दिया था, आपके बच्चे का रिजल्ट ही नहीं, हमारा क्या कसूर? मैंने तो कह दिया था जी, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो सर जी ये क्या जी, सबसे बड़ा बैरियर क्या होता है जी, जो हमारे जो आता है ना सबसे बड़ा जो बैरियर हमारी उस कम्युनिकेशन के अंदर आता है, वो आ जाता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एजेंडा, हिडन एजेंडा। हाँ यार सब सबसे बड़ा बैरियर क्या होता है जी? मेरा एजेंडा ही कुछ और है, आपका एजेंडा ही कुछ और है, फिर अनइक्वल लेवल। हाँ जी जनरल साहब की, जनरल साहब के साथ निगोशिएशन होगी, जनरल कप्तान के साथ तो नहीं करेगा निगोशिएट। तो लेवल ऑफ निगोशिएशन को अनइक्वल लेवल इज द बिगेस्ट बैरियर इन निगोशिएशन। पहला क्या जी? हिडन एजेंडा, आपका एजेंडा ही हो रहा है, यू आर ऑन द डिफरेंट पेज, आई एम ऑन द डिफरेंट पेज। और दूसरा क्या है बैरियर? अनइक्वल लेवल ऑफ, ठीक है जी। उसके बाद जी अच्छा था जी एक और चीज है बंदे के अंदर ना, एक होती रेपुटेशन, एक बंदे की रेपुटेशन ही बड़ी खराब है। आपके पास बात करने का लिए आपको पता चल गया यार बंदा आ रहा है, चाहे वो बंदा सही हो, उसका एजेंडा भी ठीक हो, कम्युनिकेशन, लेकिन आपके दिमाग में बायस आ जाएगा उसके बारे में, यार बंदे ने हाथ किया फला के साथ, उसने बता दी वो ये तुम्हारे घर दिशा लेने आए हैं और खुदा के पास है ये तो, हालांकि बंदे जो बड़े अच्छे हो। आपको पता है रिश्तों में खासकर या कोई बड़ा डिसीजन लाइफ का करना हो, हमेशा कांटी डालने वाले जरूर आते हैं। लोगों को बड़ी आग लग जाती किसी का अच्छा रिश्ता हो जाए, जैसा होता कि नहीं होता, होता है ना, और बड़े ऐसे कुटियां बीच में होती हैं जो कहते हैं रिश्ता टूट जाए, मतलब कि ऐसे होते ना कोई लड़ाई करवाने वाले बंदे बंदियां, वो कहते हैं कि इनके घर है जी मेरी बेटी बैठी हुई, इसका तो कोई रिश्ता नहीं अच्छा हो रहा है, देखो
है इन्हें दी इनका लगता है जैकपॉट लग गया। तो ये एक रेपुटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करती है। फिर उसके बाद लैंग्वेज याद रखिएगा, अप्रोप्रिएट इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज बहुत बड़ा। आपका मैंने क्या बोला, पैदा की लड़ाई होती है अल्फाज से, दूसरी किसी होती है जी मायनी से, और तीसरी होती है लहजों से। जो लहजे होते हैं ना जी, जिसको हम आपकी टोनैलिटी बोलते हैं, वॉइस पिच कहते हैं। अगर आप किसी से सर बात करें अदब के साथ, चाहे जितना मर्जी में बंदा अगला हो मूड में, तो वो आपकी अच्छी बात से थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और आपकी अगर बात भी थोड़ी सी तेज है तो वहां क्या होगा, निगोसिएशन कभी भी मुकम्मल नहीं हो। तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है जी, अल्फाज का बड़ा रोल है, लेकिन सबसे ज्यादा रोल किसका है कॉन्फ्लिक्ट्स में जब आते हैं, वो किसका रोल है जी, लहजों का। हमेशा याद रखिए झगड़े अल्फाज और मायनों से हार्डली 10% होते हैं, लहजों से 90% होते हैं। तुमने मुझे इस मूड इस लहजे में बात की मेरे से, मैंने तुझसे बदले हुए लहजे की वजाहत पूछी, जवाब क्या मिलता है? उसने कहा लहजे बदल जाए तो वजाहत नहीं पूछा। इसलिए कहते हैं आज के इस दौर में जो अलमी अवैध के लोगों के पास डिग्रियाँ आ गई है, PhD एम फिल और ये थोक के हिसाब से लोगों ने डिग्रियाँ ले ली, सॉरी माजरत के साथ किसी ने एम फिल PhD किया हुआ है, ठीक है। आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ की जिसकी ज़रूरत थी ज़रूरत है वो क्या है जी, आपके एथिक्स की, आपकी कदरों की, आपकी अदब की। कहते हैं कि ज़्यादा इलम से ज़्यादा ज़्यादा अदब चाहिए आज के ज़माने में। इलम तो गूगल ने ले लिया, सारा कुछ गूगल में डाले सब है, लेकिन अदब नहीं गूगल सिखा सकता। होंडा स्विक तो सबके पास आ गई, होंडा स्विक स्विक कहाँ से आ गई, सबके पास आ गई। स्विक सेंस तो नहीं मिलती है अल्पति स्टोर से ना, हाँ जी मिलती है, 1 किलो स्विक सेंस दे देना जी भाई मेडिकल स्टोर से। क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री ने बनाया स्विक सेंस का कोई पॉश बनाया कि थोड़ी सी स्विक सेंस आ जाए, है सर नहीं ना आया। तो ये सर जी नहीं आती, ये ग्रूमिंग जो होती ना, इस किस्म के जो ट्रेनिंग लर्निंग जिंदगी के तजुर्बे, ये इंसान की वो ये चीज़ें सिखाते हैं। आगे चलते हैं जी, ये हो गया जी बैरियर्स टू निगोशिएशन में। एक और लिखे डिफरेंस इन परसेप्शन, क्या बोला जी, डिफरेंट इन परसेप्शन। और एक आखिर में लिखे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा बैरियर होता है हमारा इमोशनल रिएक्शन, क्या बोला जी, इमोशनल, कि आप हैं इमोशनल हर बात पे, आप गुस्से वाले आदमी हैं, कभी हम निगोशिएट करेंगे आपका एकदम ट्रिगर हो जाएगा, आपका एंगर बाहर आएगा, आपने रिएक्ट कर दिया, अच्छी बड़ी डील आपकी खराब हो जाएगी। और मैंने कई दफा देखा लास्ट मोमेंट पे डील खराब हो जाएगी, एक बंदे ने बदतमीजी कर ली हो अगला वाको भी कर दिया, नहीं सॉरी यार थैंक यू वेरी मच हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमें गोरेगांव से ले लीजिए, ठीक है जी हमें नहीं चाहिए गाड़ी। तो ये वाले सर जी 5-7 जो थे बैरियर्स थे। और क्या तो बोला, अब 3 तरह के स्टाइल्स होते हैं, लिखे जी शब्द 3 स्टाइल्स हैं निगोशिएशन। एक है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शनल बिहेवियर, क्या बोला जी, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शनल बिहेवियर, क्योंकि ये निगोशिएशन है ट्रांजेक्शन है दो इंसानों के बिहेवियर्स के दरमियान। टू क्या करना है जी, सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस, ठीक है उनके इन कॉन्फ्लिक्ट से आते हैं। और आपकी पहला वाला क्या है जी, कॉम्प्लीमेंट्री स्टाइल होता है कि एक बंदा घर से आया ही सुलह करने के लिए, एक बंदा घर से आया जनाब आज मैंने विन विन मॉडल पे जाना है, उसकी एक्सपेक्टेशन आज की विन विन है और दूसरी पार्टी की भी विन विन है, दैट इज एन आइडियल नेगोशिएशन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट, एक फिजिकल एनवायरमेंट एक उसका एनवायरमेंटल एनवायरमेंट। दूसरी नेगोशिएशन स्टाइल होता है वो कहते हैं क्रॉस ट्रांजेक्शनल बिहेवियर। क्रॉस क्या होता है कि बंदा कोरोना नसी आया जनाब, गुस्सा किसी के आर्म से किसी और जगह निकाल दी। इसलिए मैंने पहला आपको टिप दिया था, कभी गुस्से की हालत में, कभी भूख में और कभी थकावट में, कभी निगोशिएशन। अगर आप और एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर दुनिया तो है उनके अपने मॉडल्स हैं, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे अच्छा निगोशिएटर होता है ना वो मूड रीडर होता है। क्या होता है जी, जैसे कार्ड रीडर नहीं डालते हम डाल के, वो क्या करते हैं जी, हम चेक करते हैं ना डाटा अपना सारा, इसमें ट्रांसफर हो गया वायरस तो नहीं है कार्ड में, एक मूड रीडर अपने अंदर डलवा लें, आज से छोटा सा इंस्टॉल कर देंगे हम, ठीक है जी, मैनेजमेंट हाउस में हमारे पास काफ़ी मूड रीडर्स हैं। यकीन जाने किसी साहब से अगर आपने काम कराना हो, सबसे पहले उसके स्टाफ अफसर से बात पूछते हैं साहब का मूड कैसा है, अगर मूड ठीक है तो आपने इन्हें आपकी फाइल पे साइन हो जाने हैं, चाहे मुश्किल भी काम था। लेकिन मूड खराब है तो सही काम भी सर जी, जितनी मर्जी आप स्किल डेवलप करके चले जाएं नेगोशिएशन के, आपने गुफ्तगू ही नहीं होनी, बंदे का मूड ही खराब है बेचारा, घर से बेगम साहब ने क्लास लगाई बीती सुबह सुबह,
सारा दिन साहब का मूड जो है जी खराब रहता है, तो उस वजह से मूड का बड़ा असर है। पाकिस्तान सारा मूड से चलता है, याद रखिएगा ये बात। पाकिस्तान सारा किसे चलता है जी? मूड से। ये मूड साइकोलॉजी जो होती है ना, ये एक नया असीब साहब एक इसमें एक ब्रांच बनवाया पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, मूड साइकोलॉजी। कि ये मूड स्विंग्स जो है ना पाकिस्तानियों के, ऐसे ऐसे स्विंग्स होते हैं एकदम हाई। सारे पाकिस्तानी ना बाइपोलर डिप्रेशन में एक मिनट में बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं और दूसरी साइड पर एकदम बड़े डिप्रेशन में होते हैं। बिल्कुल ही आज मेरा मूड ठीक नहीं, आज मेरा बात करने को दिल नहीं कर रहा। ठीक हो गया जी, तो ये हो गया जी हमारे बैरियर्स हो गए, ये हो गया आगे आगे आ गया जी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर आ जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन जी इधर से आया था अयाज साहब, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या चीज है जी? कॉन्फ्लिक्ट भी क्या होती है? एक निगोशिएशन का एक प्रोसेस है कि हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। तो सर जी अयाज साहब एक सरदार जी होते हैं, वो एक बन जाते हैं मेडिएटर। जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना दो पार्टियों में, समटाइम कोर्ट ही अलाउ कर देती है हम एक मेडिएटर रख लेंगे। ठीक हो गया, जैसे दो वकील होते हैं और एक जज साहब होते हैं, तो बीच में कहते हैं यार दोनों पार्टियों के दरमियान ना कोर्ट में जाने से पहले आप मेडिएशन करवा लें। कई लोग अच्छे जो होते हैं ना बड़ी बड़ी कंपनियों के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हाँ आर्बिट्रेशन होता है या मेडिएशन, और मेडिएटर जो होता है ना सरदार जी मेडिएटर बन जाते हैं, कोर्ट उनको अपॉइंट कर देते हैं मेडिएटर। अब कोई पार्टी ये आती है अपना दुख लेकर अपना मसला लेकर कॉन्फ्लिक्ट, ये मेरा मसला है, ये हमारी प्रॉपर्टी, ये हमारे इनका मसला है, सरदार जी सारा मसला सुन के क्या कहते हैं? तुम ठीक कहते हो, तुम आप ठीक कहते हो। उसके बाद पार्टी बी आ जाती है, पार्टी बी आके कहती है कि उसका मसला सुन के कहते हैं कि जी, बड़े गौर से सुनने के बाद सरदार जी एंड पे कहते हैं आप ठीक कहते हो, तुम ठीक कहते हो। अब दोनों चली जाती है पार्टियाँ, सरदार की बेगम आ जाती है, वो पीछे कोई सुन रही होती है बैठी हुई, कहती सरदार जी ये क्या बात हुई, हर पार्टी को आप सही कह रहे हैं, पार्टी ए आई उसको भी ठीक कह रहे हो, पार्टी बी आई उसको भी ठीक कह रहे हो, आगे से कहते हैं पढ़िए लोग तू भी ठीक कह रही है। सर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के चार स्टेप्स हैं। पहले है अवॉइडेंस, कि आप अवॉइड करते हैं ना, आप नॉन कोऑपरेटिव है और नॉन असर्टिव है। मैंने आपको कम्युनिकेशन का एक मॉडल बताना था कि निगोशिएशन में कौन सा मॉडल कामयाब होता है, वो आपको कॉन्फ्लिक्ट में काम देगा। क्या जी? कि कॉन्फ्लिक्ट के अंदर या निगोशिएशन के अंदर आपका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यूजली इंसान का तीन तरह का होता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। पहला होता है जी सबमिसिव, आप बहुत ज्यादा अगले को मक्खन लगा रहे होते हैं, सर आप ठीक हैं, सर आप बहुत अच्छे हैं, सर बड़ा अच्छा, तो वहां तो सबमिसिव के अंदर आपका भी अपना एजेंडा या अपना जो इशू को कभी भी रिजॉल्व नहीं कर सकते। सेकेंड क्या है जी? वो अग्रेसिव कम्युनिकेशन बिहेवियर जो है, पहला क्या जी सबमिसिव, दूसरा क्या है जी, और तीसरा जो कि निगोशिएटर एक्सपर्ट्स कहते हैं जो आपने स्टाइल अडॉप्ट करना है, वो है असर्टिव कम्युनिकेशन। जब आप असर्टिव वाले आ जाएं एक्सेस पे और नीचे कोऑपरेशन वाले आ जाएं, तो चार ह्यूमन बिहेवियर बनते हैं। पहला क्या जी अवॉइडेंस, क्या बोला? दूसरा क्या बनता है जी? अवॉइडेंस के बाद होता है फिर उसके बाद आपने होता है कॉम्प्रोमाइज। शादियां जितनी भी पाकिस्तान में और दुनिया के अंदर सारी क्या है जी इस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के इस पॉइंट पे खड़ी होती है, इसको कहते हैं जी कॉम्प्रोमाइज मॉडल। पहला क्या जी अवॉइडेंस मॉडल, तुसी गल की थी मैं सुनी नहीं, क्योंकि आई डोंट नीड टू लिसन, आई डोंट वांट टू लिसन, जो बता आपकी बातें सुने उसके कम सुमन बुकून हो जाएगा जी। और दूसरा मॉडल है जी कॉम्प्रोमाइज, अच्छा जी कुछ हम थोड़ा सा लूज करते हैं कुछ आप कर। एक बात याद रखें सर, एक बात अगेन ये वाली बोली बात बनेगा, तो ये तवीज वाली बात है, लिख ली कि अच्छी कामयाब निगोशिएशन के लिए कई बैटल्स को आपने लूज करना होता है टू विन द एंड वॉर। आई रिपीट, छोटे छोटे कई बैटल्स को लूज कर दें अगर आपने बड़ी जंग जीतनी है। लोग क्या करते हैं, बड़ी जंग मेन जंग हार जाते हैं, छोटी छोटी बैटल्स के ऊपर विन करके तो उसको सेलिब्रेट करना शुरू करते, दैट इज अ बिगेस्ट एरर इन निगोशिएशन। सर जी जिंदगी में बारे बिजनेस किया ना आपने नोट साहब, होता क्या है कि बैटल्स में कभी नहीं सेलिब्रेशन करनी चाहिए, वार में सरकार जीतने के ऊपर सेलिब्रेशन होनी चाहिए। तो निगोशिएशन के अंदर क्या होता है, एक बहुत बड़ा टिप है जो आया है, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया है, इसको क्लोज करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर निगोशिएशन अगर आपने करनी है, लेकिन ये कभी कभी यूज करें, ये बड़ा खतरनाक टिप है, इसका गलत यूज आपको उल्टा देता है। अया साहब आपने जैसे ऑफिस के अंदर बात करता हूं, अगर आपने किसी को कहना है, अपने स्टाफ को कहना है कि जनाब एक रिपोर्ट लिख दो, रिपोर्ट में कम से कम चार घंटे चाहिए लिखने में, आप किसी एम्प्लॉय के पास जाते हैं, अपने असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के पास गए, अपना टीम का आपका बंदा है, और टाइम बच गया चार,
उसको कहना यार एक रिपोर्ट कर दो, पहले तो आपको नागवार होके देखेगा गुस्से से, सर कम से कम 3 घंटे चाहिए, मैंने घर भी जाना 5 बजे, ये तो 7 बजेंगे। वो बड़ा नागवार ही आएगा, लेकिन बॉस हैं आप तो आप काम भी करना चाह रहे हैं, आपको इनकार भी नहीं कर सकता, तो आप क्या करेंगे जी? आप उसे कहेंगे अच्छा यार बात सुनो, और आपको ये बात दे, ये मेनू पॉजिटिव है निगोशिएशन, पॉजिटिव टाइम में नॉन नेगेटिव, कि जी आप उसे कहते हैं अच्छा भी बात सुनो, तुम जो ना रिपोर्ट ना लिखो, ये जो ना इंपॉर्टेंट मेरी 2 ईमेलें कर जाओ। कहता सर ईमेल तो मसले कोई नहीं, उसके चेहरे एकदम चेंज हो जाएगा, सर आप चाहे उसमें आधा घंटा लग जाए, उसको ईमेल लिखनी है आपको चेक करा के ईमेल, अगर आप सीधा जाके ईमेल कहते तो उसमें उसकी भी शक्ल बनानी थी, आप उसको थोड़ा सा दोजख दिखा के कब्र के साथ पे राजी कर। सना समझ आई? हसीब साहब समझ आ गई? अगर आप उसको थोड़ा सा कर लेते तो आपका मेडिकल पास हो जाता है यार, ठीक है सर? ये बहुत अच्छा, मैंने कहा था कि बड़ी खतरनाक टिप है, इसको जरा आपने यूटिलाइज करना, क्योंकि आपने जो पहली ऑफर दिया जो थोड़ी सी बहुत ज्यादा रिडिकुलस है, वो नॉनसेंस हो जाएगा, क्योंकि मैंने काम ही नहीं करता, प्यारे काम में छुट्टी करके चला। इसको बड़े तरीके से यूज करना है, ठीक है जी? अगर आपने किसी चीज से 100 रुपये का लेना तो उसको 200 की बात करें, अगर 5,000 का बस बता देंगे तो वो मसला और हो जाए, कहीं उल्टी ना पड़े। ये वाला जो टिप है ना फायरबैक भी कर जाता है, इसलिए ध्यान के साथ करना, ठीक हो गया सर? तो क्या हो गया, मैनिपुलेशन जो होती है पॉजिटिव मैनिपुलेशन, कि आपने कोई बड़ी चीज के साथ आपने करना है, इसको कहते हैं रिजेक्शन एंड रिट्रीट मॉडल इन निगोशिएशन। क्या बोलते हैं जिसको? रिजेक्शन एंड रिट्रीट, लिख लें, बड़ा काम आएगा। जब आप बड़ी डील कर लेंगे ना, अपना 5 घर बेच देंगे बना के, अपना खुरम साहब तो आपने मेरे पास आना है, इजाज साहब आपको टिप ने आज मुझे इतने बेनिफिट दिए हैं इतने डॉलर्स का, ठीक है? तो फिर उसके लिए बदले चाय का कप पीऊंगा आपसे आके। क्या बोलते हैं जी इसको मॉडल को, क्या कहते हैं? हाँ हाँ जी, फौज में क्या कहते हैं जी, समटाइम आपको हारना पड़ता है, और बॉक्सिंग में मोहम्मद अली का सीक्रेट था कि अगर ओपोनेंट को थका दो आपको इतना मारे, इतने पंचिंग करे वो मारते जाओ, जब देखा वो आधा घंटा बजा रहा है उसके छल हो गए, ये रिजेक्शन हो गए, उसको फेंका आपको आगे तो बड़े आराम से, लेकिन उसके बाद जब आपने उसको थका दिया, वही बताया ना मैंने, एक अच्छे गुड निगोशिएटर का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है स्टैमिना। समटाइम कुछ निगोशिएशन सॉफ्ट होती हैं, कुछ निगोशिएशन हार्ड होती हैं, जो हार्ड निगोशिएशन होती हैं उसके लिए स्टैमिना के बगैर आप मारे जाएंगे। तीन बार बता रहा हूं मैं, लाइफ इज रूथलेस, यू डू नॉट गेट व्हाट यू निगोशिएट। अगर आपने निगोशिएशन सही कर ली, आपको यकीन जाने, मैं तो अक्सर लोगों को स्ट्रेस होता है, मैं अपनी जाती बात बताता हूं, मैं जब स्टेट बैंक में जब गया तो उन्होंने मुझे सैलरी ऑफर की, मैं इतना खुश कि मेरी इतनी अच्छी सैलरी लग गई, और जब मैं इन हुआ तो पता चला ये तो आम सी सैलरी है। हमें क्योंकि मैं कंपेयर ही गलत कर रहा था, मैं कंपेयर दूसरे बैंकों से कर रहा था, कमर्शियल बैंकों से, स्टेट बैंक का सैलरी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट था। तो ये मेरा याद रखिएगा, प्री निगोशिएशन के सबसे बड़ा असूल क्या है, गेट द मैक्सिमम नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर आपके अपने बारे में और आपके अपने जहां आपने जिस पार्टी से निगोशिएशन करनी है, वरना आपको इतना स्ट्रेस होगा बाद में, लेटर आपने डील कर लिया पीछे पर क्या गए, इवन लोग शादियां के टीले करके क्या करते हैं, दुख होता है यार किधर फंस गए। और इसको एक कहते हैं मेंटल डिसोनेंस कहते हैं, पता है? आप कार लेके आते हैं, कार में खरीदते हैं, लेके आते हैं, सारे घर वाले खुश हो रहे होते हैं, वो बत्ती बंद होती है, आपका मूड उतरा होता है, क्यों? कि आपको एक माइंड के अंदर डिसोनेंस चल रहा होता है। डिसोनेंस का मतलब होता है कि वो उसके जो आप नेगेटिव पार्ट्स से बाद में पता चलते हैं ना, कि तो वो दूसरी गाड़ी में सो ये ना मेहरान की अपना करोला की बजाय सीख ले लेता यार, सीख के बजाय मैं बड़ा करोड़ डाल के ले लेता, पैसे की आजकल बड़ी इन हुई भी है। तो वो एक बात के अंदर जो ना आपको जो पोस्ट स्ट्रेस होता है ना किसी डिसीजन का, वो बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए पहला आपका होमवर्क बहुत जरूरी है, और होमवर्क से अंदर मेरा मतलब दोनों का, अपना भी और उस बंदे का, उस कंपनी का, उस प्रोडक्ट का, सर्विस का, आपने स्वॉट एनालिसिस करना है। मुझे ये बताएं कि ये किसी की आदत है अपने डेली उठ के या शाम को सोते वक्त या वीकेंड पे रिटर्न फॉर्मेट में अपना स्वॉट एनालिसिस करते हैं वीकली? स्ट्रेंथ वीकनेसेस जो आपकी होती हैं, सर याद रखिएगा ये आपको हर रोज 5 मिनट का माइंडर, उसके बाद वीकली रिटर्न स्वॉट एनालिसिस बहुत जरूरी है, इसके बगैर मारे जाएंगे आप। इसी तरह दूसरे का भी स्वॉट एनालिसिस, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या है, और इसको वो जो कहता आर्ट ऑफ वार में वो कहता आपको डिसेप्शन कैसे करना, आपने अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं करनी आपने सम टाइम, जैसे आपके पास जक्का है आप दाते हो गए जक्का मेरे पास, आपके पास अपने कार्ड नहीं दिखाते,
कुछ आगे रखते हैं, और फौज के अंदर तो सबसे बड़ा होता है कि अपनी सप्लाई लाइन कभी नहीं खराब करते, क्योंकि 90% दुनिया की जो जंगें आज तक हारी गई ना, वो सप्लाई लाइन की वजह से है, चश्मों की वजह से नहीं। जो वॉर को स्टडी करते हैं, स्ट्रेटेजी बिजनेस में भी, और चाहे वो आप बैटल फील्ड की बात करें, तो वो मेरे उस्ताद ने कहा था कि असल वॉर जो होती है ना, वो आपकी बैटल फील्ड की जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होती है कि इनकी सप्लाई काटो। कारगिल में यही हुआ था, वो बदल रहे थे कारगिल, ऐसा केस स्टडी पड़े। तो जब आपकी सप्लाई ब्रेक हो जाए ना सर जी, तो कितने दिन आप लड़ने के, आप सो अल्लाह अकबर वगैरह के शहीद होने के अलावा कोई वास्ता नहीं होता जब आप गिर जाते हैं, सप्लाई लाइन कट जाती है। तो ये नेगोशिएशन का एक टैक्टिक है जो मैं आपके साथ कर रहा था, तो एक हो गया। उसके बाद लास्ट में जो ना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जो आखिरी जो स्टाइल है वो है कोलैबोरेशन। क्या बोला जी? कोलैबोरेशन। अब कंपटीशन एक स्टेप है, अवॉइडेंस पहला है, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज, उसके बाद कंपटीशन, और चौथा क्या जी? कोलैबोरेशन। दैट इज कॉल्ड विन विन मॉडल। उसके लिए आपने कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए, कुछ किए, लेकिन एट द एंड आप जब सेटिस्फाई, दोनों जब सेटिस्फाई जाते हैं, दोनों पार्टीज, दैट इज कॉल्ड विन विन मॉडल। अगर स्टिल आपके दिल में और कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो डोंट्स हैं ऑफ द नेगोशिएशन, जब आपने एक अच्छी डील कर ली, जब आपने एक अच्छी डील कर ली, तो कहते हैं गुरु, कहते हैं नेगोशिएशन वाले कि नेगोशिएशन के बाद कभी आपने नेगोशिएशन क्लोजिंग के बाद अपने क्लाइंट के सामने सेलिब्रेट नहीं करना। कीप द माउथ शट, डोर क्लोज्ड, एंड वॉक अवे, भागे। और एक और टैक्टिक बड़ा यूज होता है, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूं सेशन को, वो होता है पावर ऑफ टू वॉक अवे फ्रॉम द नेगोशिएशन टाइम जो चल रहा होता है, कि आपके पास एक वॉक ओवर की ऑप्शन मौजूद हो, नहीं सर थैंक यू वेरी मच आई एम लीविंग। और ये खवातीन अन इंस्टिंक्टिवली करती है, कपड़ा पसंद करके 3 घंटे बैठ के सर खा के बेचारे का, उसके बाद कहती मैं जा रही, ये पड़ा तुम्हारा। और दुकानदार कहता बीबी जी ले लो, कहती नहीं बहुत कीमती है, बहुत पैसे ज्यादा मांग रहे हो। वो वॉक ओवर की पावर यूज कर रही होती है, ठीक है जी, और वो उनको पेप्सियां 2-3 पिला कर ठंडा करके बैठा रहा होता, प्लीज देख। तो कई जो होते वॉक अवे, वो नहीं, वो पिछला वाला ज्यादा अच्छा था दुकान में जो मैंने देखा था, तो वो एक टैक्टिक चूज कर रहे होते हैं प्राइस को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए या डाउन करने के लिए, कि जी मैं वो अगली लेडी से लेके जा रहा हूँ या अगली दुकान पे जा रहा हूँ। तो वाक में जो होता है ना, और जो होता है बुजदिल सा दुकानदार, उन्हें पता है कि ये टैक्टिक है, बाद में लेने में यही है। और ये रीडिंग होती है, आपको पता है फल बेचने वाला अगर आप गाड़ी में बैठ कर उसे निगोशिएट करेंगे ना, वो और प्राइस पे आपकी निगोशिएशन होगी। अगर आप गाड़ी पीछे खड़ी करके चौक में, और आपने फ्रूट अगर आपने करना है तो वो करें। और लास्ट में एक बांटना आपको आना चाहिए। क्या बोला जी? बांटना क्या होगा? बोले जी बांटना क्या होता है? बांटना कहते हैं बांटना कहते हैं कि वो पॉइंट जिस पे उसने चीजें देनी है और वो पॉइंट जिस उसमें चीज नहीं देनी, तो उसके पॉइंट को कहते हैं बांटना। बार्गेनिंग जो होते ना पॉइंट होता ना, जिसके अंदर आपने कहा जी 100 रुपए की चीज 50 के देंगे, नहीं सर जी सॉरी 51 कहते शायद वो दे दे, 51 उसके उसका पॉइंट होता है, चलो एक मार्जिन में कमा लूं थोड़ा सा। और दुकान वाला होता ना कारोबार बंदी, कभी नफे नुकसान पे कारोबार नहीं करता, याद रखिएगा, चाहे वो थोड़ा सा मार्जिन रख ले, लेकिन वो कहेगा अच्छा ठीक है। तो वो पॉइंट आपने डिस्कवर करना है कि यार ये वाकई इसकी परचेज इतनी थी, और ये उसका मार्जिन है, ये उसके एक्सपेंसेस हैं, इतनी मेहनत है, और ये उसका प्रॉफिट है। ये अगर आप थोड़ी सी स्टडी कर जाते हैं ना, समझ आते, तो आपको समझ आ जाती है इस आदमी से रेट कुछ और मिलता है, वही रेट पिछले तक आते आते कुछ और हो जाता है, और उसके बाद कॉलेज रोड पर जाते कुछ और हो जाता है, और डिफेंस मेन बॉलीवुड में वही बल्लभ सर जी, वही चीज आपकी टेबल, वही कुर्सी, वही मेज, वहां से आर्मी से कोई और, वही परफ्यूम उधर से कोई और रेट पे आता है, अल्फाते पे वो डबल बल्कि ट्रिपल प्राइस पे बिकता है, वही मेकअप, वही चीजें। और मैंने तो बड़ी अच्छी खवातीन को देखा, कुछ आर्मी कौन सी होती है अपनी चीजें खरीदने के लिए, उन्हें पता है कि अल्फाते का रेट ये है, या वो वेट कर रही होती है कि ये एनुअल सेल कब लगे इनकी 40% वाली, यकीन है जिस दिन आपको पता चल रहा है, आपको नहीं आती खवातीन को कि आज अल्फाते में 40% है। हमारे पास है लोग लाइने लगी होती है स्मार्ट मीटर खुलने से पहले, यहाँ गाड़ियों लग जाती है, जब ब्लैक फ्राइडे आता तो क्या होता है आपको पता ही, लड़ाई हो जाती है जी, कोरोना तो सारे फैले ब्लैक फ्राइडे की वजह से, पता, वन ऑफ द रीजन। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।